किरण मीणा, गैंगस्टर अनुराज मीणा और गैंगस्टर पप्पू मीणा, इन तीनों का ताल्लुक राजस्थान से है और तीनों ही जुर्म की दुनिया से जुड़े हैं। गैंगस्टर अनुराज और पप्पू कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने साथ मिलकर जुर्म की कई वारदातों को अंजाम भी दिया था। लेकिन जयपुर में एक रोज रेखा मीणा की मुलाकात अनुराज मीणा से हुई। चूंकि दोनों का ताल्लुक करौली से था और दोनों का मिजाज भी एक जैसा था, तो दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। अनुराज जुर्म की दुनिया में अपना नाम बना चुका था, जबकि रेखा जुर्म की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो मामले में तीसरा किरदार यानी पप्पू मीणा की एंट्री हो गई। देखिए इस लव ट्रायंगल की पूरी कहानी। दरअसल खुद को करौली की लेडी डॉन कहने वाली 19 साल की रेखा मीणा की गिरफ्तारी के बाद अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान में अनुराधा के बाद एक और लेडी डॉन करौली की रेखा मीणा के नाम से चर्चे तेज थे। रेखा फेसबुक पर लाइव आकर अपने विरोधी गैंग को खुलेआम धमकियां दिया करती थी। सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर ऐसी भद्दी गालियां देती थी कि आदमी शर्म से पानी पानी हो जाए। उसे महंगी पार्टी, लग्जरी गाड़ी, स्पोर्ट्स बाइक का भी काफी शौक था। वह गैंगवार में भी शामिल हो चुकी थी। इससे पहले भी रेखा मीणा पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी थी। पुलिस ने जब इसकी प्रोफाइल खंगाली तो कई नए चौंकाने खुलासे हुए। रेखा अपराध की दुनिया में कैसे आई, कैसे उसकी वजह से दो गैंगस्टर की दुश्मनी हुई, कई कहानी काफी दिलचस्प है। आज हम आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी कि करौली के कुंडगांव थाने का हिस्ट्री शीटर और बीजरपुरा भड़किया निवासी पप्पू मीणा उर्फ पीएल भड़किया और 2000 का इनामी बदमाश अनुराज मीणा कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इनकी दोस्ती की चर्चे भी खूब होते थे, लेकिन अचानक इनकी दोस्ती में फूट पड़ गई और दोनों अलग हो गए। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन बैठे। पीएल भड़किया और अनुराज मीणा के बीच कई बार गैंगवार भी हुआ। इन दोनों की आपस में दुश्मनी बढ़ने की मुख्य वजह रेखा मीणा को बताया जाता है।